धन्यवाद। आज की इस श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की जो हमारी कोर कमेटी की बैठक थी, उसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा के सांसद श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदास आचार्य सुरेश जी राठौर जी का मार्गदर्शन हमें मिला। गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और हमारी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री आत्माराम परमार जी का मार्गदर्शन हमें मिला। मेरे साथी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सूरज कैरो साहब, श्री विजय प्रेमी जी, सभी साथियों का बैठक में चिंतन मंथन हुआ और बैठक में जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय से सभी पंजाब प्रांत के रविदासी समाज के हमारे प्रतिनिधियों को, श्री गुरु रविदास जी के अनुयायियों को, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के सभी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने सूचित कर दिया है। उनको संपर्क करके विधिवत तरीके से हम लोगों ने यह संदेश जारी कर दिया है कि महापीठ श्री गुरु रविदास जी की सम्मान में, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली हो, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया उनकी तपोस्थली चरणछू गंगा पंजाब का हो, या जो दिल्ली का तुगलकाबाद का मंदिर था जो न्यायिक प्रक्रिया में उलझा था, उसको न्यायिक प्रक्रिया से बाहर निकालकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के भव्य मंदिर बनाने का जो कार्य देश की मौजूदा सरकार, देश की मोदी सरकार ने जो किया है, यह समर्थन उन गुरु रविदास जी के प्रति सरकार ने जो कार्य किए हैं उनको लेकर है। मुझे लगता है कि पीठ का समर्थन मिलने से जो अनुसूचित जाति वर्ग पंजाब प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में रविदासिया समाज हमारा है, वह तन मन धन से जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे स्नेही हैं इंदर अटवाल साहब, उनके साथ कार्य करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरेश राठौर जी स्वयं 3 दिवसीय कार्यक्रम पर वहाँ जा रहे हैं। अनेक प्रकार की जो योजनाएं वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर बनेंगी, जो जो कार्यकर्ताओं को ड्यूटियां लगाई जाएंगी, संगठन उन ड्यूटियों को पूरा निर्वाह के साथ पूरा करेगा। मैं सूरज कैरो, राष्ट्रीय महामंत्री श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, इंदौर में मेरा निवास है। अभी अभी आपके सामने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश जी राठौर जी ने और आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री सरोज भान कटारिया जी ने बहुत विस्तार से आपके समक्ष सारी बातें रखी हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की उदारवादी नीति और उनसे प्रभावित होकर के समूचा समाज उनके समर्थन में एकजुट हो गया है और उन्हीं के पक्ष में मतदान करने के लिए संकल्पित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को पंचतीर्थ बनाने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अम्बेडकर जी के नाम से वोट लेना सबको आता है, लेकिन उनके सम्मान की चिंता आज तक किसी ने नहीं की। अगर चिंता किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। गुरु रविदास जी के नाम से काशी में विकास कार्य, करोड़ों के विकास कार्य वहाँ हुए हैं जन्म स्थान पर। ऐसे ही सभी प्रांतों के अंदर संत रविदास जी के जो स्थान थे उन्हें उन्हें स्मारक बनाने के लिए काफ़ी विकास कार्य करोड़ों की लागत में किए गए हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी समाज जन से अपील करता हूँ कि ये एक अवसर है उनके प्रति आभार व्यक्त करने का, उनके प्रति धन्यवाद देने का। तो इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी पंजाब में हमारे अटवाल जी खड़े हुए हैं उपचुनाव के अंदर, कर्नाटक में हमारी सरकार बनने वाली है, सभी से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय सिंह प्रेमी, राष्ट्रीय मंत्री गुरु रविदास जी, आज परमादरणीय सिद्ध महामंडलेश्वर जी जो रविदासाचार्य जी हैं और मेरे क्रांतिकारी भाई जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं सूरज भान कटारिया जी, आदरणीय सूरज कैरो जी, मैं सब लोगों ने जो निर्णय लिया हमारे रविदास पीठ ने, जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम जी भी साथ थे, उस पीठ के द्वारा दिए गए समर्थन का मैं भूरभूर प्रशंसा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हम अटवाल जी के लिए हमारा रविदासा समाज पूरा उनको वोट करे और जिससे हमारे समाज की एक जो छवि दबी हुई है वो निखार करके आए। रविदासाचार्य जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और समर्थन हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि पूरा रविदासी समाज
अटवाल जी को अपना मतदान करके 11 तारीख को ये दिखा दे कि हमने जो खुलकर के वोट दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप जो है अटवाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमारा जो है रविदासाचार्य जी का मनोबल बढ़ाएं और हमारी जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व महापीठ है उसका गौरवशाली इतिहास बनकर के उभरे, ये अटवाल जी के लिए मेरा निवेदन।